आगे जाओ आगे जाओ। ये देखो भाई आराम से गाड़ी, इसीलिए भाई आराम से चलाया करो गाड़ी। देखो बैंक से उधर का गाड़ी ठोका गया, इसीलिए बोलते हैं तुम लोग को गाड़ी आराम से चलाया करो। चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। और ये देखो बिट्टू एगो, जो कि हमसे एक महीना से मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? व्यस्त है। कहाँ व्यस्त हैं? अब थोड़ा मेरा एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई लिखाई। UPSC का क्या? वही सब का। UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं बिट्टू है, क्योंकि हाँ तो अभी निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बिट्टू है तो अब साथ जाएंगे नहीं, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो 4 बजे हो सके निकल लेते हैं। नहीं चलिए मॉर्निंग वॉक, हाँ 5 बजे सुबह अंधेरे में निकल लेते हैं, देखिए कहीं मारपीट नहीं कर लीजिएगा। ठीक है चलते हैं। कार्ड अंकल भी सोच रहे हैं क्या कर रहा है ये लड़का। चलो हाँ तो भाई अभी आ चुके सिवान से दोस्त से मिलने के लिए इसके गली में, और इस गली में हम करीब 12 साल से आ रहे हैं। इस गली में लोग ऐसे ही चलते रहता है, और ये गली 15 साल से ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं। हाँ, और हम 15 साल से इसके यहीं पे इसको पिक कर रहे हैं 15 साल से। और भाई इसको आज हम स्कूटी दे रहे हैं, क्योंकि भाई अभी मन नहीं है चलाने का, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और भाई लास्ट टाइम जब स्कूटी दिए थे, इस साल हमको गिरा दिया था, और उस टाइम गिराया था जिस टाइम मेरे हाथ में ये सर्जरी हुआ था उस टाइम, कैसे तो भाई राइट साइड गिराया था, लेफ्ट साइड सर्जरी हुआ था। लेकिन एकदम जिम्मेदारी से चलाना भाई, नहीं तो पिटा जाओगे यहीं पे, कान में पास कर देंगे, समझा? अब ब्रेक नहीं है। अच्छा गली मोहल्ला के लोग हैं, इसके प्राइवेट लोग हैं, इसलिए गाली गलौज नहीं। चलिए शिवांशु जी, अब देखिए हेलमेट में चूट लग रहे हैं कि नहीं शिवांशु जी। अरे भाई क्या जलेबी खाओगे ना? जलेबी भैया नहीं तो किसी खाएंगे, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा चल रहा है डाइट वाइट का। ऐसे तो जलेबी हमेशा इंडिपेंडेंस डे नहीं तो रिपब्लिक डे में खाते हैं। रुको नाम देते हैं। और भाई हमारा जलेबी तो आ चुका है, शिवांशु टेस्ट कर दो। हम बस एक बाइट लेंगे, ठीक है? हाँ। कैमरा के सामने एक बाइट लेंगे। भाई हरी लाल हल्दीराम बीकानेर ऐसा कोई जलेबी का बात ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये ठंडा भी हो जाए ना तो तुम खाओगे तो इसका टेस्ट रहेगा, क्रिस्पी रहता है, घी में बना हो रहता है ना, अच्छा रहता है। बाकी बात एक कांड हो चुका है जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, और उसके कारण पता नहीं हमको क्या क्या होगा अभी घर जाने के बाद, देखते हैं। मैसेज भी आपको दिखाया जाएगा, मैसेज भी आपको दिखाएंगे। कांड बहुत बड़ा कांड है, कुछ ऐसा चीज हम कर दिए हैं जो कि मेरे फैमिली को पता चल गया। ये चीज पता चलेगा आपको 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, कल देखते हैं आपको। जलेबी खाते खाते याद आ जाता है भाई टाइम, वो वाला टाइम जब हम लोग स्कूल जाते थे सिर्फ जलेबी खाने के लिए रिपब्लिक डे पे। ये बेचारा एक टुकड़ा जलेबी देता था यार, इतना कंजूसी करता था ना। स्कूल का टाइम अलग होता था, उस समय हम लोग उसी में खुश हो जाते थे, उसी में खुश हो जाते थे। मज़ेदार टाइम रहता था स्कूल, पूरा वाइट वाइट कपड़ा पहन के धो ला के यहाँ पे बैच लगा के इंडिया फ्लैग का। और भाई एक दिक्कत है क्या, यहाँ से पानी लिए लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास कैश ही नहीं है देने के लिए, UPI ले नहीं रहे हैं अब। और हम एक और मिस्टेक कर दिए कि हम दूसरे का पर्स उठा के ले आए, भाई का पर्स है, इसमें खाली डॉलर है, नेपाली नोट है। देखिए मेरा भाई भी जो है ना अलग लेवल का इंसान है, भाई को नोट रखा है जो फटा हुआ है, अब दिया कैसे जाए भाई इनको, दिया कैसे जाए? कुछ जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ तो इतना UPI रखा कीजिए बॉस, गांव-गांव मेरे गांव में साला UPI रख रहा है, सब रखा है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अच्छा हाँ वगैरह भी कोई करता है मेरे ग्रुप में? कोई नहीं भाई देखो अच्छे लोग भी हैं यार, अभी हम लोग बस कैसे नहीं था, लेकिन बाबा बोले शाम में आके दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर से बहुत दूर है अब इनको, लेकिन तब भी हम लोग शिवांशु शाम में एक राउंड मार के इनको दे देंगे पैसा।
क्या अच्छा लुक भी है, बाबा को देख ले वायरल हो गया। और पूछ लिया करो पहले, हर जगह मॉडर्न नहीं है, दिल्ली नहीं है। चलिए अब चलते हैं घर। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं जिम, और भाई एक होता है ना भाई कि जिम आने का एक्साइटमेंट ही अलग होता है। मतलब पूरे दिन घर में आराम करो या कोई भी काम करो, ऑफिस जाओ स्कूल जाओ, बट ये जो जिम का टाइम होता है उसमें एक्साइटमेंट, जो अच्छा जिम करता है मतलब अच्छा टाइम से कर रहा है, जो एकदम दिल जिसका लग गया है वो लोग समझ सकता होगा, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट होता है। और आज जो है यश आएगा शायद, यश तो आ रहा है बट सत्यम नहीं आ रहा। सत्यम का भी चल रहा है भाई, फास्ट वास्ट चल रहा है उसका। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर तुम जितना बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर तुम इनटेक कर रहे हो, कैलोरी इनटेक कर रहे हो, तो तुम्हारा गेन होगा। सपोज आज तुम्हारा फास्ट था, जैसे सत्यम का फास्ट है, तो वो पूरे दिन तो कोई कैलोरी बॉडी में उसकी गया नहीं होगा। अभी हम चॉकलेट खा रहे हैं इसलिए, गुटखा नहीं है, तो बॉडी में गया नहीं होगा। तो अभी अगर वो एक्सरसाइज किया है, वो बॉडी में जो क्या बोलते हैं माइक्रो टियर आया, रिपेयर हुआ नहीं, तो उसके बॉडी में जो मसल्स है, जो फैट्स है, जो बचा हुआ है बहुत भी, वो भी कम हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा ध्यान देने का है, कैलोरीज इंटेक पे तभी गेन होगा। कहाँ जा रहे हैं? ओके ओके ओके। तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, एक्सरसाइज तो इंडिया में हर कोई कर रहा है। अभी गया चार लोग ऊपर जाके एक्सरसाइज कर लेगा, बट उसको हम एक साल से देख रहे हैं, पुराने जिम में भी था ऐसा ही, ऐसा ही बॉडी है। क्यों? क्योंकि डाइट नहीं ले रहा था। अभी बात कर रहा था कि अभी घर जाके दारू पिएंगे। बताओ is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. तो भाई वर्कआउट तो फिनिश हो गया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। लो हेलमेट पकड़ो, तो शिवंशु आएगा उसको दे देना। मेरे पास दो हेलमेट है गाड़ी का, इसको वहाँ रख दे रहे हैं। और हाँ तो भाई वर्कआउट तो फिनिश हो गया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस था। और अभी हम आए हुए हैं दोस्त लोग के साथ, आई लोग जब तक आए जाएगा नहीं वापस तब तक हमको मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं आशीष? मरीन ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, बहुत टाइम बाद शाम में मरीन ड्राइव का आनंद लेंगे। और एक वो लौंडा है साला, आधा घंटा से हम लोग को वेट करवा रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं भाई हमको सब वेट ही क्यों करवाता है भाई, एक्टर है भाई, एक्टिंग कर रहा था जो भी कर रहा था, लेकिन वेट भाई, इससे ये पता चलता है कि टाइम का किसी को महत्व नहीं रहा, नहीं रहा, और मेरा भी महत्व नहीं रहा। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। वो कहाँ चल गया यार, वो तो आ गया अजीत होटल। ओके चलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ, जो होगा सब दिखाएंगे। आशीष पीछे बैठा हुआ है और सर जो है फ़ोन कर रहे हैं, चलिए। और भाई मरीन ड्राइव जाते जाते वो कांड हो गया, टायर फट गया भाई, सत्यम का टायर फट गया। अरे तो उसको तो बहुत पहले ही बोले थे टायर वायर चेंज करवा दिया, बाधा डाल दिया है मरीन ड्राइव में जाते ही। क्या बोले? नहीं तो नया स्कूटी वगैरह ले लिया करो यार, पुराना स्कूटी में घूमते हो। और तुम कब लोगे गाड़ी घोड़ा? तो मेरे पापा ने हमको साइकिल दिला है, बाइक स्कूटी चाहते थे, फिट रहो इसीलिए। और क्या क्या बोल रहा है? और ये भाई टायर फट गया था, बना दिए बढ़िया से एकदम, फाइव स्टार होटल पड़ता ना। मीटिंग वगैरह मेरा जितना होता है उसी में होता है। कल लेमन ट्री में जाना है भाई, थ्री स्टार होटल है, थ्री स्टार है या फाइव स्टार है, बट हम जाएंगे तो फाइव स्टार हो जाएगा ऑब्वियसली, थ्री स्टार तो फाइव स्टार हो जाएगा, जाएंगे जैसे ही हो जाएगा।
तुम लोग जाओगे तो टू स्टार हो जाएगा, हम जाएंगे तो खरीद, अब वो जाएगा तो भाई जो माइनस में हो जाएगा अलग है, कभी कभार गुण में चल जाता है भाई, समझ नहीं आता कहीं लगा भाई क्या हिल रहा है, की गाड़ी हिल रहा है, दुनिया हिल रहा है, मेन बात है भागलपुर में पुल गिर चुका है, हिला देंगे हम, मेन बात है डेढ़ साल एक साल पहले शिवांशु यहाँ पे सुतना जो जगह देख रहा हूँ गाड़ी गिरान में क्यूँ रहता था आशीष बता, गार्गी रैंक में 500 रुपया मिलता था इसको रात में, नहीं नहीं वो तो अलग बात है, वो वाला कहानी नहीं बताना तो ठीक है, वो वाला नहीं करना है, इतना झूठा वेंचर इतना और भाई एक दिक्कत आ चुका है, मरीन ड्राइव पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे बंद हो गया है, तो अब हम लोग क्या जाए भाई, चलो मोहल्ले पे टाइम पास करते हैं, वेस्ट टाइम पास करते हैं, तो चलते हैं मॉल में, ऐसे भी कंटेंट बनाते हैं, इसलिए इसको कुछ लेना वेना था तो चलते हैं, ठीक है बाकी भाई कोई धुआं वगैरह भी लेता है यहाँ पे, कोई नहीं तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लिनिक प्लस लेने आए, पानी क्लिनिक प्लस, पानी वानी पीते रहो भाई गर्मी बहुत, पानी और क्रैकर साथ में पॉकेट में कुछ और भी है भाई, इसका ये एक टाइम था भाई कि ये सब जगह मॉल वगैरह आने के लिए हम लोग पूरा तैयार वगैरह हो गया, और अभी हम लोग अभी ऐसा पर्सनैलिटी बन गया सबका लड़का लोग का कि घर वाला ही कपड़ा में आ जाता है तब भी लोग देखता है, तब इसलिए भाई बॉडी बॉडी बनाए पजामा वगैरह खेल गया है, दिखा दो यार हम लोग कैसा देखिए, अरे अभी क्या नहीं नहीं अभी सबसे ऊपर से फिर नीचे आएंगे, क्या बोल रहा है मम्मी लोग का सबसे बड़ा फेयर, इधर लाइट कहाँ है, इधर क्या बोल रहा था मम्मी, पता है मम्मी लोग का सबसे बड़ा फियर ये है कि जो एलिवेटेड सीढ़ी है इस पे कैसे चढ़े उतरे, वो लोग के लिए लिफ्ट है, लिफ्ट है लेकिन फिर भी उन लोग को सिखाओ, ऐसा नहीं है कि तुम शर्माओ ये करो, ये जनरेशन का दिक्कत है, आजकल का बच्चा जो है ना मम्मी को नहीं पता तो उसको क्यों लेके आई है, वो जनरेशन का बच्चे में सामने आओगे तो एक आध खा जाओगे उधर से, ये सब नहीं करो, बिल्कुल जो हो वही रहो भाई, नेचुरल जो रहो, क्या भाई नेचुरल रहो और माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता को भले बहुत चीज नहीं पता लेकिन हम लोगों को सिखाना चाहिए, और अरे भाई इतना बड़ा कर दिया है, बहुत को एम्बैरेस फील करता है, तुम लोग एम्बैरेस फील मत किया करो, एम्बैरेस फील मत किया करो, कान के नीचे लगेगा लात, सामान में बहुत दिक्कत है भाई डाइट का, इधर जितना रेस्टोरेंट है भाई हर जगह तुम वो KFC है ऐसा ला यही सब है, हर जगह का बेस्ट जो है वो नॉनवेज ही बेस्ट जो है नॉनवेज ही है, इंडियन डाइट में भी कुछ वेज बनाना चाहिए जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिले, अब हम लोग कहाँ से खाएंगे, अभी हम बताओ सावन एक महीना फॉलो कर रहे हैं, सर क्या दिक्कत है भाई, अच्छा नहीं होगा, नहीं उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बस तुम्हारे हाथ पे अच्छा नहीं लग रहा वो, smack that out of the floor, smack that, give me some more, smack that, oh, oh, oh. smack that, आगे का लाइन बता और आगे का लाइन बता, इंग्लिश गाना सुनोगे साला हमेशा भोजपुरी सुनते रहते हो, जस्टिन बीरबल सुनते हैं यार, एक आगे उसी का सुना तो गाइस लोग को, एक बेबी बेबी गा के सुनाओ तो सब लोग, ये देखिए गाइस आशीष का पुड़िया गिर गया है, दारू बंद का क्या गाना, ये देखिए आशीष तुमसे यो मिलना आलू हुआ, मेरा नहीं जीवन सुबह थोड़ा सी उम्मीद ना लू भाई, तुम लोग को हमेशा बोलते हैं मॉल वॉल में जाओ तो कुछ ले लिया करो, हम लोग लिए हैं AC का आवाज लिए हैं पार्किंग का टिकट लिए हैं क्या और क्या क्या लिए, और तो कुछ नहीं लिए हैं भाई, नजारा भी लिए नहीं भाई, हम ही सब नहीं आशीष का काम और भाई अभी आ चुके हैं बहुत जोर का भूख लगा इसलिए बहुत टाइम के बाद कुछ हेल्दी खोज रहे थे मार्केट में भाई, वेज में नॉन वेज वेज में कुछ हेल्दी नहीं है, लेकिन अभी एक जगह आ गए ये लिट्टी वाले में जो कि एकदम प्योर हल्का सा घी डालता है, बाकी बात कुल्ला तो है ही नहीं मेरे पास, तो अभी ये हेल्दी वाला चीज़ आशीष जो को अच्छा काम कर रहा है इसीलिए कभी भी कोई हेल्प करने का मौका मिले तो किया करो आशीष की तरह, क्योंकि फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं तुमको
ऐसा टाइम आएगा कर्मा है आशीर्वाद मिलता है आशीर्वाद मिल जाए इसीलिए कभी कभार हेल्प किया करो आगे बाद पहले लिट्टी खाते हैं उसके बाद क्योंकि भूख भूख बहुत शुभांशु ही लिट्टी बनाते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम लिट्टी का आनंद लेते हुए देखो और बिहार आओ तो एक बार ये सब जगह का पटना आओ तो ये सब जगह का लिट्टी खाओ क्या जीवन से तुम्हारा क्या राय है बेस्ट हमने बोले हम मेरा ब्लॉग चैनल है क्योंकि बहुत हेल्दी भी है आटा का लिट्टी है मैदा वैदा नहीं रहता है सत्तू है प्रोटीन बाकी बाद इधर प्याज है दूध में बताओ दूध में बुधा हुआ इतना बढ़िया और कहाँ मिलेगा जब जब बर्गर पिज्जा खा के पैसा बर्बाद करते हो और बोलते हो बॉडी नहीं बनता है ये सब जगह का लिट्टी खा करो देसी भी भाई बॉडी नहीं बनता उसके बाद बोल रहे हो लड़की नहीं पढ़ रही बताओ संतोष पटाना हाँ भाई बॉडी वॉडी बनाओ अच्छा खाना खाओ तभी तो भाई गर्लफ्रेंड बना ले तो बाद में पता चलता गर्लफ्रेंड के चक्कर में पिटा गए इसीलिए बाइसेप जरूरी है देख लो कोई और बॉडी बिल्डर आके पीट देता बॉडी बिल्डर लड़की घुमा रहा है उसका बॉडी बिल्डर का बाप ही पार्किंग पकड़ लिया काट काट और भाई आप जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे अभी लस्सी प्रोटीन लेंगे प्रोटीन प्रोटीन नहीं है ये लस्सी है भाई बहुत बढ़िया लस्सी है चीनी कम डाली है चीनी कम डाली है वाह क्या लस्सी है मजा आ गया बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है लस्सी अच्छा है बहुत अच्छा थोड़ा महंगा मेरे साथ आओ तो पैसा वैसा मत किया करो नहीं तो मत आया करो जब आते हो तुम हाँ ये लड़का में पता नहीं जहाँ घुसता है इतना एटीट्यूड में चलता है ना एटीट्यूड किलर फेसबुक पे इसका नाम था जब फेसबुक ज्वाइन किया था एटीट्यूड किलर बाकी बात भाई ये लोग भाई एक ही कपड़ा लेने में 50 घंटा लगा रहा है वो तो एक हम एक हैं जब जो उठाते हैं और घर लेके चल जाते हैं हम ट्रायल रूम वगैरह में हम कभी कभार ही घूमे कभी कभार ही घुसे हमको नहीं पसंद है भाई एक्सेल लो जानते हैं एक्सेल ट्रिपल एक्सेल ये सब फिट होता है वो सब हमको नहीं पसंद तो कुछ और क्या वो सब ब्लॉग में बोलोगे तो पिटा जाओगे बाकी बात भाई एक घंटा लगा रहा है ट्रायल रूम में इसीलिए ये लोग के साथ शॉपिंग वॉपिंग नहीं आना चाहते हम एक कपड़ा लेते हैं एक दो कपड़ा लेते हैं उसके बाद फिर हम वही लेके घर चले भाई बनियान ले लो फटा हुआ था तुम्हारा छेद हो गया भाई तो ले लेना ले लेना भाई बनियान भाई ओ भाई बनियान ले ले भाई अंदर का चीज कुछ बढ़िया नहीं रहता है ऊपर ऊपर का अब देखिए हम पे क्या है ना ब्रो ये जूड़ियों पुड़ियों के कपड़ा हम पे सूट ही नहीं करता है सूट का बात नहीं इचिंग वगैरह होने लगता है नोचनी धर लेता है तुम लोग पे सूट हो तुम लोग का बॉडी उस टाइप का बना हुआ है गांव देहात बट हम लोग इचिंग नहीं सीरियस बता रहा हूँ रैसेस हो गए थे मैं दोनों ये दोनों तुम कोई थी ये दोनों